शहाबुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का रिकॉर्ड जो मान लिया स्टेडियम बनाया है, ये इंदौर स्टेडियम बनाया, आयुर्वेद कॉलेज बनाया, चाहे ये विद्या भवन बनाए, ये जरूरी था, उस समय भी जरूरी था और आज भी जरूरी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब एक स्टेडियम बना तो 14 का ही नहीं बना। मेरा सपना है कि हर ब्लॉक में होना चाहिए। हम भेदभाव क्यों करेंगे? अगर 14 प्रखंड से हम चुनाव लड़ रहे हैं तो 14 प्रखंड से ना वोट मिल रहा है, तो हम जो भी काम करेंगे 14 प्रखंड में करेंगे ना, सबको समानांतर लेके चलेंगे। कि शहर के प्रखंड के लिए हम स्पेशल सांसद कोटा नहीं होता है, होता है सब 14 प्रखंड के लिए। तो मैं कभी भी कोई भी कार्य करूंगा 14 प्रखंड को लेकर चलूंगा। सिवान की साहब की बात की जाती है कि सिवान की साहब, अब सिवान क्या होगा? देखिए, सिवान को कभी भी साहब की जरूरत नहीं थी, सिवान को सेवक की जरूरत है। अगर सेवक आता है तो सिवान एक मास्टर प्लान की तरह डेवलप करेगा। और जनता जानती है जनता को क्या चाहिए, जनता को साहब चाहिए या सेवक चाहिए, जनता को तय करने दीजिए 25 मई को। नगर पंचायत से एक बार सांसद बनने का सपना कहाँ से आ गया सर? नगर पंचायत से सांसद बनने का सपना मेरा आज भी नहीं है। आज भी मैं अपनी जनता के लिए लड़ रहा हूँ। ये लड़ाई लड़के मैं बीच जाके कम से कम अपनी बातों को रख तो रहा हूँ। अगर चुनाव नहीं लड़ता तो मैं धुरावधा में इस समय नहीं बैठा होता। यहाँ की ये समस्या का जो बात समस्या है सिवान की, उठा रहा हूँ ना। कौन ऐसा प्रत्याशी है जो अभी भी मुद्दा बताइए? सब कोई ना कोई केंद्र की मुद्दा ला रहा है, कोई राज्य का मुद्दा ला रहा है, लेकिन जिला में क्या कमी है किसी को मतलब नहीं है। सबको केंद्र, अरे सिवान जिला की जनता वोट देगी और दिल्ली की बात करिएगा, सिवान जिला की वोट देगी जनता और पटना की बात करिएगा, पहले जिला का तो बात कीजिए। घर में व्यवस्था है नहीं और जिला को बचाने चले, जिला में व्यवस्था है नहीं और राज्य बचाने चले। तो ये बात है कि यहाँ की मुद्दा की बात कोई नहीं करता है, सीधे बात करता है देश लेवल का। तो पहले भी और अभी चुनाव भी चल रहा है, लगातार आग लगी हो रही है, शादी विवाह में जा रहे हैं, समाज सेवा लगातार करते रहते हैं। ये पॉलिटिक्स का मेरा ये कारण नहीं है, हम एमपी बने ना बने, चेयरमैन बनते ना बनते, लेकिन हम सेवा करते। क्योंकि ये कोरोना काल में मुझे जो महसूस हुआ कि पैसे का कोई मोल नहीं है, मरना है और खाली हाथ जाना है। कुछ ऐसा करके जाइए कि कल नहीं रहे तो कुछ लोग याद करें तो कहे कि नहीं भाई कुछ अच्छे काम करके गए हैं। जाना तो सबको एक दिन, लेकिन कुछ लेके नहीं जाना है, जो लेके जाना है एक पहचान लेके जाना है। हम भी उस पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि मेरी एक पहचान बने। आज एमपी का चुनाव लड़ने के पीछे भी यही कारण है कि कल कुछ ऐसा कर दिखाऊं कि मैं रहूं ना रहूं, पहचान रहनी चाहिए। अच्छा, आपने बात कहा था नगर पंचायत के जब चुनाव आपने जीता था, कहा था कि सिवान गोरखपुर सिटी बनाएंगे, तमाम ऐसे योजना है, अब तक लगातार काम कर रहे हैं, तो जब सांसद अगर बनते हैं तो फिर सिवान को कौन सा सिटी बनाइएगा? सिमिलर रहेगा गोरखपुर तरह। जोगी जी जो सोच के गोरखपुर को डेवलप किया, मेरे सामने गोरखपुर डेवलप हुआ है और हमको लगता है कि आने वाले समय में लखनऊ भी फेल हो जाएगा गोरखपुर के सामने। मेरा कल भी सपना एमपी बनने के बाद यही रहेगा कि जोगी जी की तरह मैं गोरखपुर को सिवान दिखाऊं, गोरखपुर सेम टू सेम सिवान। अच्छा, तो क्या लग